हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम्स किचन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप इसको मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर बच्चे हैं आपके घर में, तो आप उनको डेफिनेटली बनाकर दे सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाना काफ़ी सिंपल है, जैसा कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, मल्टीग्रेन डोसा रेसिपी। तो ये जो डोसा रेसिपी, ये बनेगा मिक्स दाल से। मिक्स दाल आपके घर पे जो भी अवेलेबल है किचन में आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया था उड़द दाल, ले लिया था चना दाल, ले लिया था अरहर की दाल, ले लिया था मूंग दाल, ले लिया था एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पे राइस भी ऐड कर दिया है। राइस ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको आपको 3 से 4 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देना है। 3 से 4 घंटे के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, काफ़ी फूल गया है, फ्लफी हो गया है। इसके बाद इसको अच्छे से वॉश करके इसका अच्छा सा हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। जैसा कि आप डोसा के लिए बनाते हैं, जो नॉर्मल डोसा होता है, सेम उसी कंसिस्टेंसी का हम इसका भी बैटर बना के रेडी कर लेंगे। ऐसे इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें अच्छे अमाउंट से फाइबर्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जो कि हमारे फुल बॉडी के लिए अच्छा होता है। मैं अपनी स्क्रीन पर लिख दूंगी, आप रीड कर लेना। उसके बाद आप गूगल भी जाके कर सकते हैं। तो देखिए, इस कंसिस्टेंसी का हो गया है बना के। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे मतलब जो भी हम इस मसाला वगैरह ऐड करेंगे, जैसे कि ग्रीन चिलीज़, करी लीव्स ऐड कर रही हूँ। आप इसमें कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट एंड देन थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स। उसके बाद 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं किचन किंग मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर पे किचन किंग मसाला नहीं है तो इसमें आप 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इन सब डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करना है, आपको चाहिए एक डोसा पैन, नॉनस्टिक का पैन चाहिए। नॉनस्टिक का पैन पे आपको थोड़ा सा उसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है, हाई फ्लेम पे। ग्रीस करने के बाद जब आपका पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपको फ्लेम जो है मीडियम कर लेना है। उसके बाद जो आपका बैटर है उसको मिक्स करके जो तवा है उसके ऊपर अच्छे से राउंड शेप में फैला देना है। वैसे इसको कुक होने में मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 या फिर 2 से 3 मिनट अप्रॉक्स लगता है। तो दोनों साइड से क्या करना है, आपको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेना है। ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार आप जरूर चेकआउट करें। सो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और उसके बाद क्या करना, फैलाने के बाद इसको साइड से आप पे इस पर थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप्स इसके ऊपर से एंड साइड से ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने से क्या होगा, जो आपका बैटर है मतलब जो डोसा है वो चिपकेगा नहीं नीचे से, ईजिली वो निकल जाएगा। तो ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर से मैं टॉपिंग कर रही हूँ अनियंस एंड टोमेटोज़ का। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैं बताइए आपको वेजिटेबल्स डायरेक्ट बैटर में डाल सकते हैं या फिर इसके ऊपर से भी इस तरह से डाल सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से टैप कर लेना है, जो भी वेजिटेबल्स अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। टैप करने के बाद देखिए मैं इसको दूसरे साइड से पलट ले रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन। उसके बाद फिर इसको दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लेंगे। कुक होने के बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटोज़ के साथ। इवन अगर आपको चपाती अगर पसंद, थोड़ा सा अगर आप चपाती नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप इसको चपाती की जगह पर ले सकते हैं। सब्जी जो सूखी वेजिटेबल्स रहता है, सब्जी रहता है, उसके साथ भी आप ले सकते हैं इसको। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये काफ़ी सॉफ्ट एंड क्रंची बना था, तो इस रेसिपी को आप डेफिनेटली ट्राई करना। अगर ट्राई करना तो मुझे कमेंट बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।